इधर अडानी ग्रुप के समर्थन में उतरा आरएसएस। संघ ने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में अडानी का समर्थन किया है। कंपनी को बदनाम किया जा रहा है, आरएसएस का ये कहना है। एक लॉबी अडानी ग्रुप के खिलाफ सुनियोजित काम कर रही है। छवि खराब करने के लिए एनजीओ और वेबसाइट्स को फंड मिला है। अडानी ग्रुप पर अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के सामने आने के बाद से ही देश में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष जहां इस मामले को लेकर जेपीसी जांच की मांग कर रहा है, वहीं सरकार इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बच रही है। लेकिन इस सियासी बवाल के बीच आरएसएस ने खुलकर गौतम अडानी का समर्थन कर दिया। संघ ने इस पूरे विवाद को अडानी ग्रुप के खिलाफ सुनियोजित साजिश करार दिया है। दरअसल आरएसएस के अंग्रेजी मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में अडानी के समर्थन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, जिसमें कहा गया कि अडानी एपिसोड की सारी पटकथा पहले से लिखी गई और सुनियोजित है। ऑर्गेनाइजर के मुताबिक जिस हिंडनबर्ग ने अडानी को लेकर तमाम आरोप लगाए हैं, उसके तार ऑस्ट्रेलिया के एनजीओ बॉब ब्राउन फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और ये वही एनजीओ है जिसकी तमाम वामपंथी हितेशी फंडिंग करते हैं। ये अनार उगा के हर साल एक एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ऑर्गेनाइजर का दावा है कि अडानी ग्रुप पर यह हमला असल में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद शुरू नहीं हुआ, बल्कि ऑस्ट्रेलिया से वर्ष 2016-17 में एक ऑस्ट्रेलिया एनजीओ ने वेबसाइट शुरू की, जिसके जरिए ऑस्ट्रेलिया में अडानी के कोयला खदान प्रोजेक्ट का विरोध किया गया। और इस पूरे मामले पर ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, पहली बात तो ये स्पष्ट कर दूं कि ये कोई संघ की भूमिका नहीं है। ऑर्गेनाइजर एक मीडिया हाउस है, संघ ने भी ये पहले कहा है। मुखपत्र के रूप में देखना मीडिया के लिए अच्छा होता है इसलिए, लेकिन इस घटनाक्रम में जितना भी घटनाक्रम हुआ, चाहे हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया, चाहे अडानी का उसमें उत्तर आया, हिंडनबर्ग ने फिर से उस पर सवाल खड़े किए, पार्लियामेंट में जो हुआ, सब पर हमने रिपोर्ट की। जैसे आप लोग कर रहे हैं, सारे मीडिया कर रहा है, वैसे हमने भी की। ये बेसिकली लेख नहीं है, ये दो रिसर्चर्स ने किया हुआ ट्विटर थ्रेड है, जिसमें उन्होंने कुछ प्रश्न खड़े किए। ये अडानी ग्रुप के समर्थन में भी नहीं है। ये प्रश्न उस पर है कि हिंडनबर्ग के बारे में सामान्यता ये माना जाता है कि रिसर्च ग्रुप है। भाई, ये तो शॉर्ट सेलिंग ग्रुप है तो उनका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, तो उनका मार्केट वॉलेटिलिटी में इंटरेस्ट क्या है, इस पर सवाल कोई तो खड़ा करना चाहिए। उन्होंने कुछ रिसर्चर्स ने किया तो उनको हमने स्थान दिया। ये अनार उगा के हर साल एक एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।